हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल शार्पन द स्वा में। आज लेकर आया हूँ आपके सामने और एक नया टेक वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जियो नेट की स्पीड हम किस तरह बढ़ाएंगे। अभी बहुत ही ज्यादा जियो के कस्टमर यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में है दोस्तों। जियो का नेट हम सभी यूज करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं कि हमारा नेट नहीं चल रहा है, नेट की स्पीड नहीं बढ़ रही है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया दोस्तों। बहुत अलग अलग तरीके से मैंने इसको सर्च किया है, इस पर स्टडी की है दोस्तों, और ये दो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये बिल्कुल भी फेक नहीं है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पूरा एक दिन स्टडी कर ये वीडियो मैं आपके सामने बिल्कुल जेन्युइन वीडियो लाने का और पूरा टेस्ट के साथ मैं इस वीडियो को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और इस वीडियो के नीचे जो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए अगर आपको इसका अपडेट चाहिए तो उसके बाजू में सब्सक्राइब करते ही एक बेल आइकन आएगा दोस्तों, उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, तभी आप ऐसे वीडियोज यहाँ पर देख सकोगे दोस्तों। दो ट्रिक्स और टिप्स मैं यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों, दोनों भी टिप्स और ट्रिक्स आप जरूर देखिएगा, बीच में वीडियो स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप क्या करते हो, वीडियो स्टार्ट होने में थोड़ा देखते हो और स्किप कर जाते हो और बोलते हो वीडियो में कुछ भी नहीं है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो पूरा उसको टेस्ट कर उसका टेस्टिंग के साथ मैंने ये वीडियो आपको दिखाया दोस्तों। तो चलिए, आपका ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं लेता, सीधा मेरे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि हम जियो नेट स्पीड हम किस तरह बढ़ाएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल को बजाना ना भूले, तभी तो आप देख सकोगे हमारे सभी वीडियो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। जो लोग जियो का नेट यूज करते हैं उन लोगों के लिए ये खास वीडियो है। जियो नेट की स्पीड बढ़ाने के दो तरीके मैं इसमें बताऊंगा दोस्तों। शायद ही ये ट्रिक आपने किसी वीडियो में YouTube पर देखा हो दोस्तों। इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, लास्ट तक देखना, बीच में स्किप करेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो इसमें मैं बताऊंगा एक सेटिंग्स और एक बताऊंगा एक एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है जियो सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स को सर्च करना है दोस्तों। वहां पर सर्च करने के बाद आपको जियो 4G का यहाँ पर ये सिम, तो उस पर जाना है और आपको जाना है एक्सेस पॉइंट्स नेम्स के अंदर। तो ऑलरेडी आपका एक IPN यहाँ पर सिलेक्ट होता है दोस्तों, जो डिफॉल्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी स्पीड, हम गूगल क्रोम में जाएंगे और fast.com पर जाकर इसकी स्पीड पहले मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये स्पीड यहाँ पर वो सर्च कर रहा है। दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो लेकर मैं इस चैनल पर आता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, योर इंटरनेट स्पीड इज, जो डिफॉल्ट पिन है APN है, उसकी इंटरनेट स्पीड है 1.9 Mbps। तो चलिए अब हम बैक जाते हैं और आपको बताते हैं तो करना क्या है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर आना है सेटिंग्स के अंदर वापस, जियो सिम्स के अंदर, और यहाँ पर हमें एक न्यू APN जनरेट करना है दोस्तों। यहाँ नेम के अंदर आपका जो चाहे नेम यहाँ पर रख सकते हो, मैं यहाँ पर नेट इस तरह रख रहा हूँ। APN आपको सेट करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों www.jcapital लिखना है दोस्तों, जियो 4G जो है वो भी कैपिटल लिखना है, .com लिखना है दोस्तों, और इसके ओके करना है। ये हो गया आपका APN। फिर उसके बाद बाकी कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है दोस्तों, आपको सबसे नीचे आना है, ऑथेंटिकेशन टाइप इसको लिखना है, आपको पैप और चैप सिलेक्ट करना है, और APN प्रोटोकॉल ये IPv4 IPv6 ये करेक्ट है, इसे भी कुछ आपको करना नहीं है दोस्तों। तो सबसे ये पूरा सेटिंग्स होने के बाद यहाँ पे मोर में जाके आपको इसको सेव करना है दोस्तों। जैसे ही ये सेव हो जाएगा तो अब आपको इस इंटरनेट में यहाँ पर सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो हमने ये सिलेक्ट कर दिया है, तो अब आप देख सकते हो कि इसकी इंटरनेट स्पीड कितना है, ये अब आप यहाँ से देखेंगे दोस्तों। तो चलिए, ये फिर से यहाँ पर सर्च कर रहा है, अब हम देखेंगे कि हमारी इंटरनेट की स्पीड वो कितनी लेता है दोस्तों। ये एक्चुअली वर्क करता है दोस्तों, जब भी आपका इंटरनेट स्लो हो तो ये सेटिंग्स आप जरूर कर ले सकते हो और आपकी नेट की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हो दोस्तों।
तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों। शायद ये किसी वीडियो में आपको बताया गया हो। ऐसी ट्रिक और टिप्स मैं मेरे इस चैनल में लाता रहता हूँ और आपके लिए नए नए वीडियोस टेक्नोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 3.5 Mbps की स्पीड मेरी हो चुकी है, या इस जो डिफॉल्ट पिन APN था उसकी स्पीड थी 1.9 Mbps, और जो मैंने मेरा APN जो जनरेट किया है उसकी नेट की स्पीड दिखा रहा है दोस्तों 3.5 Mbps। तो आप देख सकते हो कि किस तरह ये नेट की स्पीड हम बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों एक सेटिंग्स। और दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि एक एप्लीकेशन के जरिए से भी आप इसे देख सकते हो दोस्तों। माय जियो के अंदर उन्होंने नेट की स्पीड रखा हुआ है दोस्तों। माय जियो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है, अगर न हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। माय जियो के अंदर आपको जाना है। माय जियो के अंदर जाने के बाद आपको उसके एप्लीकेशन की यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी दोस्तों। यहाँ पर आप नीचे जैसे ही जाओगे तो वहां पर आपको यहाँ पर जियो ऐप नॉट येट इंस्टॉल्ड ऐसा दिखाई देगा। जो एप्स आपने इंस्टॉल नहीं किए उसकी लिस्ट दिखाई देगा। उसके अंदर आपको सर्च करना है दोस्तों, तो नेट वेलोसिटी नाम का एप्लीकेशन आपको सर्च करना है। यदि ऑलरेडी ये मोबाइल में मेरे इंस्टॉल है तो इसके ऊपर आपको जाना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और ओपन करना है दोस्तों। जैसे ही आप ओपन करोगे तो जो खुद ही दिखाएगा कि आपका मोबाइल, अभी यहां देख सकते हो दोस्तों स्टार्ट टेस्ट नाम का यहां पर एक विंडोज दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मोर के अंदर जाना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। तो आपको यहां पर दिखाएगा दोस्तों सर्वर सिलेक्शन, वो सर्वर कहां का ले रहा है। आप कहीं प्लेस चेंज करते हो या कहीं घूमने जाते हो तो आप इस चीज का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। अभी ये ऑलरेडी हैदराबाद का सर्वर यहां पर ले रहा है दोस्तों, जो सबसे नजदीक का सर्वर है वो ऑटोमेटिकली लेगा। अगर आपको लगता है कि ये सर्वर में बहुत ज्यादा पावर होगी तो वो सर्वर आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो और वहां से आपकी नेट की स्पीड बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो देखिए ये स्टार्ट टेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्विक टेस्ट आप ले सकते हो, डाउनलोड अपलोड और लेटेंसी ये यहाँ पर दिखाएगा दोस्तों। तो देखिए अभी मेरा जो जनरेट किया हुआ मेरा जो खुद का APN है उसकी स्पीड मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 3.6 3.82 ये डाउनलोडिंग स्पीड दिखा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो जो मैंने जनरेट किया हुआ APN है उसकी स्पीड 4.2 Mbps है और अपलोडिंग स्पीड आप देख सकते हो दोस्तों। देखो दोस्तों अपलोडिंग स्पीड यहाँ 7.19 दिखा रहा है दोस्तों। तो ये जो मैंने मेरा जनरेट किया हुआ APN है उसकी स्पीड मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको। तो चलिए अभी आपको मैं वापस ले चलता हूं सेटिंग्स के अंदर और आपको बताता हूं कि जो डिफॉल्ट APN होता है उसका कितना स्पीड आता है दोस्तों। अभी यहां पर मैं डिफॉल्ट APN ले रहा हूं दोस्तों, आप देख सकते हो, और यहां से मैंने सेट कर दिया है, वापिस जा रहा हूं मैं। अब हम जाएंगे फिर से नेट वेलोसिटी में जो जियो का एप्लीकेशन है, और यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे सर क्विक टेस्ट यहाँ पर हम करेंगे। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि उसकी स्पीड ये कितना दिखाता है। Mbps ये दिखा रहा है दोस्तों। अपलोडिंग स्पीड देखिए, देखेंगे अब हम कितनी दिखाता है। 5.67 यानी जो हमने डिफॉल्ट किया था उसकी डाउनलोडिंग स्पीड 4 Mbps के ऊपर थी और अपलोडिंग स्पीड जो थी तो 7 Mbps के ऊपर थी। तो आप इससे समझ चुके होंगे कि जो ट्रिक एंड टिप्स मैंने बताई है वो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना दोस्तों। ऐसे ही नए वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा और दोस्तों आपका प्यार ही मुझे ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।